हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। ये उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विषय नहीं कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, ये अपराध है। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं, बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए, बस वो हम कुछ बोले वो रीझे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए, शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीला अनुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, ये केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो, केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। आप चाहे बोले चाहे लीला अनुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो ये मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए।